हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरा फैशन। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ये मैंने मिशो से लिया था। ये ईयर वैक्स क्लीनर है जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। पैकेजिंग कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाला बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती है आपको जल्दी से नोटिफाई, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इसका इमेज प्राइस स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी। ये मुझे पड़ा था कुछ 70 रुपीज, डिस्काउंट हो गया मुझे 60 रुपीज, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट किया तो मुझे 60 रुपीज में रिसीव हो गया है। तो इसका जो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इमेज प्राइस स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी। कुछ लुक कुछ इस तरह से है। आपको ये 3 स्पून मिलेगा जो ये इसका जो रहता है, और ये एक लाइट आपको इस तरह से फ्लैश लाइट भी मिलेगा। इसमें फ्लैश लाइट ईयर पिक और 3 आपको मिलेगा, और इसमें इस तरह से फ्लैश लाइट भी मिलेगा ये रहता है। इसको कैसे ऑन करना है, क्या करना है, कुछ पीछे में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कैसे इसको निकालना है, क्या करना है, ये आपको एक थिक मिलेगा स्पून और एक थिन मिलेगा। आपके ईयर का साइज जो होल रहता है साइज के अनुसार आप इसको डाल के बच्चों के निकाल सकते हो, बड़े का भी आराम से निकाल सकते हो। तो मैं इसको पीछे में पूरा डिटेल्स दिया गया है, ये मेड इन चाइना है बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से इसको मैं निकाल देती हूँ, देखती हूँ। पीछे में आपको पूरा डिटेल्स इंग्लिश में और चाइना में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा ये। ये रहा, इसमें लाइट है, और इसमें मैं आपको ये पहले दिखा देती हूँ। आपको ये ऑन ऑफ का बटन इस तरह से ब्लैक कलर मिलेगा, और ये रहा इसका बैटरी जो पीछे में जो रहता है बैटरी का। आप बैटरी भी पीछे से निकाल कर अगर खत्म हो जाए आप डाल सकते हो, छोटा बैटरी जो रहता है वही। तो इसमें आपको इस तरह से आपको फ्लैश लाइट मिलेगा, बहुत ही अच्छी लाइट भी आपको व्हाइट कलर में पूरा जैसे आपकी ईयर के अंदर में क्या है पूरा आपको दिख जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छी लाइट है। इसको थोड़ा सा यूज करना मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको इसका स्पून जो रहता है थिक वाला थिन वाला मैं आपको 3 आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये रहा डिफरेंट डिफरेंट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, आराम से आप निकाल सकते हो। आपकी कान में जो रहता है ना वास, उसमें मैं पहले आपको स्पून पास से दिखा देती हूँ। ये प्लास्टिक का बना हुआ आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा कुछ इस तरह से, स्पून टाइप का कुछ इस तरह से इसमें डालोगे। मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बड़े भी इसको आराम से यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको इसमें डालना होगा, और ये रहा पूरा आपको इसमें पूरा स्पून की तरह पूरा स्पून के अंदर आपको लाइट दिख रहा होगा, जो कि आसानी से आप इसको कान में डाल के आराम से, क्योंकि हम अगर बच्चे के जो कान को साफ करते हो तो इसको थोड़ा सा टॉर्च दिखाओ और जो रहता है ना उसमें निकालो तो बच्चे दिखाते नहीं, हिलाते हमको ठीक से दिखाई भी नहीं देता। इसमें जो लाइट है LED इसमें इस तरह से आपको लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि आराम से अगर इसे ही आप कान में कुछ चला गया है कुछ है आप आराम से देख सकते हो कितना क्लियर दिख रहा है। मैं इसको निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे निकलता है और बच्चों का कान दिखता है नहीं दिखता है, मैं पूरा आपको मेरी बेटी के कान में आपको दिखाऊंगी सही में ये काम करता है या नहीं करता है। इसको थोड़ा सा ज्यादा देर तक यूज मत कीजिए, थोड़ा सा यूज करे इसको ऑन करिए और कान में जो वास है इसको निकाले और फिर से इसको बंद कीजिए, और क्योंकि बैटरी खत्म हो जाता है और जो फ्लैश लाइट है वो भी खराब हो सकता है। बार बार ऑन इसको बहुत देर इसको मना किया गया है। इसमें आपको पूरा पीछे में निकल लिखा हुआ मिल जाएगा, ज्यादा देर इसको यूज करना है, थोड़ा सा इसको निकालो और फिर से ऑफ करो फिर ऑन करो, इस तरह से आपको करना है। पूरा आपको लंबे टाइम के तक इस तरह से LED जो इसका फ्लैश लाइट है ऑन करके रखोगे तो बैटरी ज्यादा खत्म होगा जल्दी से। इसके लिए थोड़ा सा इसको आपको ये 3 स्पून मिल रहा है कुछ इस तरह से, ये चिमटा टाइप का है, आप आराम से कुछ इस अंदर चला गया है कुछ करे इस तरह के आपको ट्रांसपेरेंट चिमटा बहुत ही छोटा सा इस तरह से आपको आराम से आपके कान में जाएगा जितना बड़ा दिया गया है। कुछ इस तरह से चिमटा दिया गया है और 2 सॉरी तो इस तरह से 2 स्पून आपको मिलेगा, एक थिक एक थिन, जो कि आपके छोटे बच्चे है तो उनका तो थोड़ा सा होल जो होता है छोटा रहता है। तो इसको निकाल के तो मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ कैसे काम करता है।
तो ये तो बहुत ही अच्छी काम करी है, आपके सामने में निकाल के भी दिखा दिया क्योंकि मेरे बच्चे का कान बहुत ही दुख रहा था, मैं निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चे दिखाते नहीं है, दिखता भी नहीं है, लाइट पर इसमें डालो और ये करो अच्छे से सही से निकाल नहीं पाते, इसके लिए मैंने इसको बाय किया था। ये तो बहुत ही अच्छी काम की, आपको निकाल के भी दिखा, ये बहुत ही अच्छी काम कर रही है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सभी के लिए। अगर बच्चे के लिए यूज करना चाहते हो तो छोटा वाला स्पून जो थिन वाला रहता है ना वो कीजिए, अगर बड़े को जो होल रहता है थोड़ा सा बड़ा इसके लिए थिक वाला यूज कीजिए। और चिमटा भी दिया गया है, जो निकाल नहीं सकते तो इसको जो चिमटे में आप निकाल सकते हो, और लाइट पूरा आपकी ईयर के अंदर तक जा रही है जो कि इजीली आप इसको निकाल पाए। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत ही सस्ते में आपको 100 रुपीज के अंदर में आपको ये रिसीव मिल जाएगा, और इसमें 2 स्पून दिया गया है और चिमटा भी दिया गया है। और ये जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चे जो हिलाते रहते हैं इसमें लग सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख के क्योंकि ये बहुत पतला है लग सकता है बच्चों को, इसके लिए आपको थोड़ा सा आराम से इसको निकालना पड़ेगा। आपको देखा मैंने निकाल दिया है क्योंकि उसका कान बहुत ज्यादा दुख रहा था, मैं निकाल नहीं पा रहा था, ईयर बोर्ड में हो जो भी है रुई रह जाता है अंदर, वो भी आपकी रुई रह जाएगी ना इसमें वाटर वगैरह चला जाता है ना उनका पूरा ये जो रहता है ना पूरा दुखता है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छी है, आप इसको ट्राई कीजिए। मुझे क्वालिटी वगैरह बहुत ही पसंद आया और ये बहुत ही सस्ते भी आपको मिल जा रहा है। अगर इसमें बैटरी खत्म हो जाए तो इसको इसको निकाल के ये रहा इसका, इसमें आप बैटरी डाल सकते हो इजीली, आपको बहुत ही अच्छी है, कुछ खराब नहीं है। और इसको इसमें इसको निकाल के बैटरी डाल सकते हो, इसमें आपको इस तरह से दिया गया है जो ये जो स्पून है आप इसको इसमें रख सकते हो, कहीं पे ये गिरे ना कुछ भी ना हो, पैकेजिंग इसको खोलने के बाद इसमें आप इस तरह से आप इसको डाल के इसमें रखिए और इसको बंद कीजिए। इसको स्टोर करने में भी दिया गया है, इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हो, और इसको साफ कर कटन में आप ईयर वैक्स निकाल के इसको कटन में साफ कीजिए, अच्छे से साफ करके इसमें आप डाल के इसको कहीं पे रख सकते हो, बॉक्स जो मेडिकल जो मेडिसिन बॉक्स रहते हैं इसमें आप डाल के इजीली रख सकते हो। इसको भी बहुत ही अच्छी, मुझे ये भी बहुत ही अच्छी पसंद लगी, आपको ट्रॉस मिल रहा है और इसको निकालने में बहुत ईजी है, और इसके पीछे में दिया गया है इस तरह से आप इसको स्टोर करने के लिए, अगर बैटरी खत्म हो जाए तो इसको निकाल कर बैटरी भी आप इसमें डाल सकते हो, कुछ इस तरह से। ये मुझे बहुत ही पसंद है, मैं कहूंगी आप डेफिनेटली इसको बड़े के लिए बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हो, कोई भी खराबी नहीं है, कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चे के लिए, तो ये बहुत ही मुझे तो ये बहुत ही पसंद है मेरे बच्चे के लिए, तो मैं कहूंगी आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।